मोहन सुबह सुबह खाट से गिर जाता है। वो नींद में था और गिरते ही जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सर पर हाथ रखकर खुद से कहता है, ये भी सपना था, ना जाने ये सपने कब सच होंगे। अरे ऐसा भी कौन सा सपना देख लिया है आपने जो सपने सच होने की बात कर रहे हैं। यही देख रहा था सपने में कि मैंने चौथी शादी की है और मेरी चारों पत्नियां मेरा हाथ पैर दबा रही हैं। अभी तो बच गए, अगर ऐसा किया तो सोचो मैं तुम्हारा क्या करूंगी। अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो मैंने तो सपने में देखा था कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, बड़ा सा घर, गाड़ी, नौकर चाकर घर में घूम रहे हैं। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत नाम की चिड़िया का बीज बोना पड़ता है, वो कभी हुआ भी है तुमसे? नहीं हुआ तो कर लेंगे, लेकिन बस प्रभु मेरे सपने को पूरा कर दे। मोहन और कमला बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पड़ोस की रज्जो मोहन से कहती है कि संतोष काका ने उन्हें बुलाया है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। अजी, पैसों और मेहनत का तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में पता नहीं, लेकिन ये बूढ़ा तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही नौकर बना के रखने वाला है, जब तक कि ये मरेगा नहीं। जब देखो अपनी जी हजूरी के लिए तुम्हें याद कर लेता है। शुभ शुभ बोलो, तुम्हें पता भी है कि इन्होंने मुझे बचपन से पाला है। माँ पिताजी के जाने के बाद मैं आता हूँ काका को देखकर। अब मोहन जल्दी से अपने पड़ोसन के घर जाता है जहाँ संतोष नाम का बूढ़ा रहा करता था और गाँव में उसकी अच्छी खासी जमीन भी थी, लेकिन बेटों ने उसे काफी समय पहले ही छोड़ दिया था। तब से वो गांव में भी वापस नहीं आए और उसके बाद मोहन ने ही उसका ध्यान रखा था। उनकी उम्र भी हो चुकी थी और वो ज्यादातर बीमार ही रहा करते थे। काका, क्या हुआ आपको? आपको तो सांसें चढ़ रही हैं। मोहन बेटा, तू आ गया, मैं अब जा रहा हूँ। तुझे अपना ये घर, अपना खेत, अपनी वसीयत देकर ये रहे वकील साहब, तो इनसे कागज ले ले। आज से मेरे वसीयत पर तुम्हारा हक है, तुमने मेरे लिए मेरे बच्चों से भी ज्यादा किया है, ये सब तुम्हारा है। काका, कुछ बोलते क्यों नहीं काका? मोहन का सपना तो अब पूरा हो गया था, बड़ा सा घर, खेत, सब मोहन का। अब जब ये बात कमला को पता चलती है कि मोहन के नाम संतोष काका ने अपनी पूरी जमीन जायदाद वसीयत ही कर दी है, तो वो गम भी नहीं मना पा रही थी, क्योंकि वो खुश जो थी। गांव में भी मोहन चर्चा का विषय बना हुआ था, अब एक गरीब अमीर जो बन गया था। अब ऐसे ही समय बीतता है, संतोष की सारी जमीन मोहन के पास थी, लेकिन संतोष के एक खेत में इतनी भिंडी लगी थी कि वो सोच में था कि इन भिंडियों को बेचे भी तो फिर भी वो खत्म ही ना हो। चलो अच्छा है, थोड़ा मरते मरते कुछ तो अच्छा कर गया। खैर, अब हमें इन भिंडियों का ध्यान देना होगा, आखिर इतनी भिंडियों का हम करेंगे क्या? तुम जानती हो ना भिंडी का भाव मंडी में कितना गिर चुका है, ऐसे में मैं तो कहता हूँ कि भिंडी खेत में गिरकर सड़ गल जाए, पर मैं 5 रुपए 2 रुपए में भिंडी तो बेचने नहीं जाऊंगा। अरे अकल के मूर्ख, तो अब हम क्या इन भिंडियों का अचार डाले या फिर पकौड़े तलकर गांव में बंटवा दे अमीर होने की खुशी में? अरे वाह, क्या आइडिया दिया है तुमने। अरे संतोष काका ने तो अब हमें इतना दे ही दिया है कि हम आराम से बैठकर खा सकते हैं, लेकिन जरा तुम सोचो, हम गांव में भिंडी ढाबा लगाएंगे तो कैसा रहेगा? अरे आपका दिमाग खराब हो गया है, ज्यादा पैसा देखकर और कुछ नहीं है, मैं आपके इस फालतू के सुझाव में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाने वाली हूँ, बता देती हूँ आपको। ठीक है मत दो, लेकिन तुम्हारे मुंह से भी कभी कभी अच्छी बातें निकल जाती हैं। मोहन सस्ते दामों में भिंडी बेचना नहीं चाहता था, लेकिन अब वो गांव में भिंडी का ढाबा खोलता है, और तो और उसके ढाबे का रंग भी भिंडी के रंग की तरह ही होता है, एकदम हरे रंग का। अब गांव के लोगों को जैसे ही मोहन के भिंडी ढाबे के बारे में पता चलता है तो हर कोई मोहन के भिंडी ढाबे पर आने लगता है। एक रोज गांव की ही एक औरत मोहन के भिंडी ढाबे पर आती है। अरे भाई साहब, क्या ढाबा बनाया है आपने, अनोखा और सबसे निराला। वैसे आपके भिंडी ढाबे में क्या क्या माल मिलता है? अरे मेरा मतलब सामान। हाँ जी, भिंडी कढ़ी, भिंडी पकौड़ा, भिंडी परोठा, दही भिंडी सब्जी, भिंडी रायता जीरे के छौके के साथ, और भिंडी दाल भी है हमारे पास, आपको क्या चाहिए?
बाप रे, मेरा तो सर ही घूम गया। हर चीज में भिंडी भिंडी, बस पानी की जगह भिंडी का जूस तो नहीं रखा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी यार, ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में ही उतना लजीज हो तो मजा आ जाए। मैं तो रोज आऊंगी ढाबे पर खाने। जी जी, आप एक बार जो खाएंगी ना, फिर भिंडी के ही गुणगान गाएंगी। गांव के लोग भी मोहन के भिंडी ढाबे से भिंडी के बने इतने सारे आइटम का लुत्फ उठा रहे थे। हर कोई भिंडी की डिश खाकर खुश था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज देर रात जब मोहन घर आता है तो वो देखता है कि कमला अच्छी और खराब भिंडियों को छाटने में लगी हुई थी। ये क्या है? ये क्या गाय के लिए रखे हैं तुमने? अरे इसको गाय को भी मत खिलाना। वो क्या है ना, इसमें लंबे लंबे कीड़े हैं, जो गलती से भी गाय के पेट में चले गए तो बस दिक्कत हो जाएगी। अजी, इतनी अकल तो मुझको भी है। मैं इन कीड़े लगी हुई सब्जियों को गाय को नहीं दूंगी। लेकिन ये हमारी गैया के लिए नहीं है, ये तो आपकी दुकान के लिए है। वैसे भी आपने इन भिंडी को एक बार पतीली में डालकर उबाला तो किसी को क्या ही पता चलने वाला है कि भिंडी सड़ी है या उसमें कीड़े लगे हैं। आखिर सब कुछ गल तो जाएगा ही। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने चलते चलाए ढाबे को बंद करवा दूं? देखो कमला, ये तो होने से रहा, और तुम थोड़ा कम होशियारी दिखाया करो। तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहने वाले हो, ये तो तुक्के से तुम्हारी किस्मत चमक गई। अरे इतना बड़ा होटल खोल लिया है लेकिन फिर भी दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। थोड़ी झोलबाजी नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे? ये टाटा बिरला अंबानी सब यही तो करते हैं। अरे ये सब छोड़ो तुम, और मुझे ये बताओ कि खाने में क्या बनना है। तुम मेरे और मेरे काम के बीच मत ही आओ तो अच्छा है, क्योंकि मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ। हाँ ये तो है, मेरी इस घर में आज तक कितनी ही सुननी है किसी ने, जो तुम अब सुनोगे। मोहन अपनी पत्नी की इस आदत से परेशान था। पैसा नहीं था तो उसे संतोष भी नहीं था, लेकिन जब से काका मरे और उन्होंने मोहन के नाम अच्छी खासी अपनी वसीयत की, तब से तो मानो मोहन की पत्नी के अंदर और लालच उमड़ आया था। एक रोज मोहन अपने ढाबे पर अपने ग्राहकों को खाना परोस रहा था, तभी कमला वहां आती है और वो थैले से सड़ी भिंडी निकालकर पतीले में उबालने के लिए डाल देती है। लेकिन जब मोहन की नाक में अजीब सी बदबू से आती है तो वो पतीले से ढक्कन हटाता है। वो समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं, उसकी पत्नी कमला का है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं तुम्हें काट डालूं, निकलो यहाँ से। एक, मैं यहाँ इतनी मेहनत करके ढाबा चला रहा हूँ, और एक ये है कि उसे बंद करवाने में लगी हुई है। अच्छा तो तुम्हें पता चल ही गया मैंने पतीले में सड़ी हुई भिंडी डाली है। चलो चलो, मेरे पास तुमसे बकवास करने का समय नहीं है। अगर तुमने दोबारा ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी की ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। आप तो गुस्सा हो गए, लेकिन ये मैंने आपके अच्छे के लिए ही तो किया है। ये तो है, और मुझे अपनी पत्नी के बारे में अच्छे से खबर है कि वो कितनी अच्छी है और कितनी शातिर है, लेकिन तुम मेरे सामने होशियारी ना किया करो। मोहन इतना कहने के बाद अपनी पत्नी को अपने ढाबे से भगा देता है। उधर कमला को भी बहुत बुरा लगता है कि उसका पति उसे समझ नहीं पा रहा। अब कमला घर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि एक औरत अपनी छोटी सी बच्ची को मोहन के ढाबे का खाना खिलाते हुए बोल रही थी, यहाँ का खाना मैं तुझे बिना सोचे खिला देती हूँ, क्योंकि मोहन बेचारा बहुत मेहनत करता है और वो बहुत ही साफ सफाई से अपने ढाबे पर खाना बनाता और बेचता है। भगवान उसे और उसके परिवार को खूब तरक्की दे। मैंने सुना है कि आज तक भगवान ने मोहन की बीवी की झोली नहीं भरी है। बस भगवान मेरी दुआ सुन ले और मेरी गरीब की दुआ कबूल कर उस मोहन की बीवी की झोली भर दे, जो वो हम गरीबों को इतना अच्छा खाना खिलाता है। उस औरत की ये बात सुनकर कमला की आंखें भर आती है, और उसके बाद में उसे समझ में आता है कि भले ही मोहन ने जैसे ही काका की सेवा की, उसके बदले में काका ने जाते जाते उसे इतना अच्छा फल दिया, और अभी भी मोहन अपने परिवार के लिए गरीबों से भले पैसा ना कमा रहा हो, लेकिन दुआएं कमा रहा था, जो आज नहीं तो कल उसे फल जरूर देंगी। ऐसे ही मोहन अपने ढाबे को बहुत अच्छे से चलाता है और देश विदेश से लोग उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए आते हैं, और गरीबों की दुआएं एक दिन मोहन को लग ही जाती है और उसकी बीवी गर्भवती हो जाती है, और उसके बाद मोहन और उसकी बीवी दोनों मिलकर अपने भिंडी के ढाबे को ऐसे ही चलाते रहते हैं। लाजी चिकन सिक कबाब वाली। झुमरी अपने पति और बच्चों के साथ डोगरी गांव में रहा करती थी।
झुमरी का पति मजदूर था और झुमरी खुद गांव के ही नुक्कड़ पर चिकन सिक कबाब की रेड़ी लगाया करती थी और अपने घर का खर्चा खुद चलाती। एक रोज झुमरी की पड़ोस में एक नई पड़ोसन रहने आती है, जिसने झुमरी के घर के सामने हाल फिलहाल में छोटी सी जमीन पर अपना घर बनाया था और उसे आए हुए 3 से 4 दिन ही हुए थे। राम राम बहन, मैं आपकी पड़ोसन झुमरी, और आपका नाम? जी लता नाम है मेरा, आप मेरी पड़ोसन है। चलो अच्छा है, अब से खूब जमेगी अपनी। वैसे आप बड़ा चिल्ला के बोलती है, काफी समय से मुझे आप जैसी पड़ोसन की ही तलाश थी। जो मेरे सामने रहती है उनसे थोड़ा बच कर रहना। वो क्या है ना, अगर आपने उनसे ज्यादा बातचीत की तो वो आपसे दाल चीनी नमक ये सब मांगने आ जाएगी, लेकिन हम भी तो कमा रहे हैं, कहाँ से इतना कुछ दे पाएंगे। अच्छा किया बहन जी आपने ये बता दिया, वरना कौन कैसा है हमें क्या ही पता चलता। ऐसे ही अब समय बीतता जाता है और झुमरी की पड़ोसन एक रोज अपने घर में एक कुत्ता ले आती है, जो दिन में तो भौंकता ही था लेकिन रात को भी उसे चैन नहीं था। आस पड़ोस वाले अब नई पड़ोसन के कुत्ते से परेशान होने लगे थे। उन्होंने लता को कहा भी कि अपने कुत्ते को घर में बांध कर रखा करे, रात में सोने नहीं देता, लेकिन लता कुत्ते को घर के बाहर ही गेट पर बांधा करती थी। एक रोज सुबह सुबह झुमरी सो रही होती है और लता का कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। ये कुत्ता भी ना सोने नहीं देता, वैसे ही गाँव में इतने कुत्ते हैं जिनसे मैं परेशान हूँ, लेकिन जब से ये मेरी नई पड़ोसन लता आई है उसने और उसके कुत्ते ने तो मेरा जीना ही हराम करके रखा है। रात भर तो भौंकता ही है लेकिन सुबह से तो मेरी मुर्गियों के उठने से पहले ही भौंकने लगता है। अरे माँ, मेरे एग्जाम आ रहे हैं और ये कुत्ता ऐसे ही भौंकता रहा तो मैं इसे खोल दूंगी, गाँव में इधर उधर भटक जाएगा। अरे मैं भी यही सोच रही हूँ बच्ची, कि आज ही इसे धमका कर आती हूँ, अगर आज भी ये नहीं मानी तो देख फिर मैं क्या करती हूँ। अब दिन में ही झुमरी अपनी पड़ोसन लता के घर जाती है और बड़े ही प्यार से अपनी पड़ोसन से कहती है, अरे बहन जी कैसे हैं आप। बहन जी मैं आज आपसे एक शिकायत करने आई हूँ, आपका ये कुत्ता है ना तो ये भूखता बहुत है। अरे झुमरी बहन, कुत्ता नहीं मोती है, मोती मोती नाम है, और कुत्ते नहीं भौंकेंगे तो क्या मैं भौंकूंगी। अरे बहन जी आप तो नाराज हो रही हैं, मैं तो बस इस कुत्ते मेरा मतलब मोती के भले के लिए कह रही थी, क्योंकि मेरे साथ आसपास के लोग भी इससे परेशान हैं। अरे मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, मैं इसका मुंह तो बंद नहीं कर सकती ना, बाकी जिसे जो करना है करता रहे। झुमरी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो उस वक्त वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी नई पड़ोसन और उसके कुत्ते को सबक सिखाने का मन बना लेती है। इधर देर रात जब झुमरी अपना चिकन स्टिक कबाब की दुकान बंद कर रही होती है तो उसका पति झुमरी से कहता है, अरे सुनो, काजल के लिए जो रिश्ता आया था लड़के वालों ने हाँ कह दिया है, और उनका कहना है कि काजल की 12वीं की परीक्षा के बाद ही वो काजल को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, तो अब हमें दुगनी मेहनत करनी होगी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं आप, क्या बात है, मैं अपनी बेटी के लिए दुगनी मेहनत करने को भी तैयार हूँ। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, शाम में जब घर लौटता हूँ तो सब्जी मंडी जाकर सब्जियाँ बेचाया करूँ, जमींदार जी ने ये बात कुछ दिनों पहले कही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी अपने चिकन से कबाब का रेट बढ़ाने ही वाली थी, तो मैं सोच रही हूँ कि उससे भी महीने की अच्छी कमाई निकाल लूंगी, एक दो घंटा और ज्यादा दुकान खोलूंगी अब से। जहाँ झुमरी के सर पर बेटी की शादी की जिम्मेदारी का बोझ आ चुका था, वहीं दूसरी तरफ झुमरी और उसकी बेटी देर रात लता के कुत्ते को खोल देती है और वो खुलते ही इधर उधर भागता हुआ दूर निकल जाता है। चलो माँ अब आएगी चैन की नींद। सही कह रही है काजल, इस कुत्ते ने तो नाक में दम करके रखा था, अब ये वापस नहीं आने वाला। वैसे भी ये इसे खाने में दाल चावल देती थी, अब कुत्ता कभी दाल चावल खाएगा क्या। झुमरी और उसकी बेटी काजल कुत्ते को खोल देते हैं और सोचते हैं कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो कुत्ता भी 80 की स्पीड से खुलते ही भागा था। लेकिन जब झुमरी और काजल सो जाते हैं तो लता उठती है और वो झुमरी के घर में बाड़े की मुर्गियों को खोल देती है और मोती वहीं लता को बैठा मिलता है। अब मुर्गियों का बाड़ा खुलते ही लता का कुत्ता मोती दो मुर्गी तो खा जाता है,
और बाकी की मुर्गियां भाग जाती है। अब अगली सुबह जब झुमरी की नींद खुलती है तो उसे मोती के भौंकने की आवाज आती है। अरे ये मोती का भूत तो गया ही नहीं, आवाज तो इसकी अभी भी आ रही है। आवाज नहीं है माँ, खुद वो मोती ही है जो आपकी नींद खराब कर रहा है। हाँ? लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो कुत्ता तो भाग निकला था ना। किस कुत्ते की बात कर रही हो, मोती की? ये सब छोड़ो, बाहर जाकर देखो, बाड़े में एक भी मुर्गी नहीं है, सारी मुर्गी भाग गई और एक दो तो शायद अपनी पड़ोसन के कुत्ते ने खाई है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी मुर्गियों को अगर उस चुड़ैल करमजली के कुत्ते ने दांत भी लगाया होगा ना, तो मुझसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। अरे जाने दो, नई पड़ोसन है, कुत्ते का जो मन करो, लेकिन पड़ोसन तो सच में अच्छी है। ज्यादा जवानी नहीं चढ़ी है जी तुम्हें। और काजल तू बाहर आ मेरे साथ। अब जब झुमरी ये नजारा देखती है तो आग बबूला हो जाती है, लेकिन अपने अंदर के गुस्से को शांत कर अपनी पड़ोसन के कुत्ते को घूरने लगती है। वो कुत्ता भी झुमरी को देखकर भौंक रहा होता है। झुमरी उस वक्त तो कुछ नहीं कहती। अब ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज झुमरी देर शाम अपनी दुकान से आती है तो अपने पति से कहती है, 2000 की मुर्गियां लाई हूँ, अब से ये मुर्गियां आंगन में ही रहा करेगी, और बीच में तो अपना चिकन सिक कबाब का काम मंदा हो गया था जब मैंने सिक कबाब के रेट बढ़ा दिए थे। हाँ मैंने भी देखा था कि दुकान पर ग्राहक कम थे, कहीं तुम लालच तो नहीं कर रही हो ज्यादा पैसे कमाने में? अगर ऐसा है तो तुम संभल जाओ, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत से ये दुकान खड़ी की है। झुमरी और रमेश ये बातें कर रहे थे तभी बाहर से लता की आवाज़ आती है। उसका कुत्ता 2 दिन से मिल नहीं रहा था और वो रो रही होती है। अब झुमरी बाहर निकल कर जाती है। अरे लता बहन, आप अपने कुत्ते की बात कर रही हैं, बल्कि गाँव में कुत्ते तो दिख ही नहीं रहे। अरे आजकल गाँव में कुत्ते भौंकने कम हो गए हैं, लगता है गाँव के कुत्ते चोरी हो रहे हैं। अरे जिस किसी ने मेरे कुत्ते को चुराया है कभी खुश नहीं रहेगा, ना जाने मेरा मोती कहाँ होगा। गाँव में सचमुच कुत्ते कम हो रहे थे, लेकिन लोगों के लिए तो ये अच्छा ही था। एक रोज लता देर शाम झुमरी के घर से गुजर रही थी, तभी उसे झुमरी के घर के पास उसके मोती का पट्टा दिखता है। उसे देखकर वो भावुक हो जाती है, लेकिन वो किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और झुमरी के दुकान से चिकन से कबाब लेकर घर आ जाती है। बड़ी आई थी मोती की दीवानी, एक कुत्ते के लिए भी लोग कितने पागल होते हैं ना। ये बोलकर झुमरी अपने कामों में लग जाती है। इधर काजल की शादी से पहले घर के सभी रिश्तेदारों को बुलाकर झुमरी दावत देती है, जिसमें झुमरी रमेश के रिश्तेदार और लड़के वाले और उनके रिश्तेदारों को भी शामिल करती है। ये दावत घर के लोगों के लिए थी, जिसमें झुमरी पनीर, पुलाव, खीर, पूरी और जलेबी के साथ साथ सीख कबाब भी शामिल करती है, जिसे सब बड़ी चाव से खाते हैं और झुमरी के चिकन से कबाब की खूब तारीफ भी करते हैं। लेकिन तभी अचानक काजल को उल्टियां होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। काजल क्या हुआ? काजल उठ बेटी, तू ठीक तो है ना? अरे ये क्या हो गया, मेहमानों को भी उल्टियां हो रही है, कहीं नहीं ये नहीं हो सकता। अब काजल को हॉस्पिटल लेकर रमेश जल्दी से जाता है और इधर मेहमानों को भी उल्टियां होने लगती है। ये देखकर काजल का होने वाला ससुर झुमरी पर बरस पड़ता है। अरे जरूर इनके चिकन के कबाब में ही कुछ गड़बड़ है, अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, इनके घर की तलाशी लो। अरे ये क्या कह रहे हैं आप समधी जी, आप हम पर शक कर रहे हैं, मैं तो खुद छोटी सी दुकान चलाती हूँ और आप देख सकते हैं बाहर बाड़े में कितनी सारी मुर्गियां हैं और ये चिकन से कबाब ही है। रामलाल झुमरी की एक नहीं सुनता और घर की जब तलाशी होती है तो लालची चिकन से कबाब वाली झुमरी का सच सबके सामने आता है। झुमरी अपने घर के पीछे एक टूटे हुए घर में कई सारे कुत्ते बांध कर रखती है जो बेहोशी के हाल में थे। वहाँ कई तरह के चाकू रखे थे। ये देखते ही रामलाल सभी से कहता है, ये सब क्या है समधन जी, लालच में इतनी अंधी हो गई हो कि मुर्गी की जगह डॉग सीख कबाब दे रही हो, यानी कुत्ते का मांस खिलाया आपने अपने मेहमानों को। अरे मेरी बात तो सुनिए, ये सब मैंने बस कुत्तों से छुटकारा पाने को किया था, क्योंकि वो मुझे सोने नहीं देती थी। अब पूरे गांव और झुमरी के मेहमानों के सामने झुमरी का सच आ जाता है और उसे उसी वक्त पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, और झुमरी के पड़ोसन भी उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देती है, क्योंकि झुमरी ने सबसे पहले मोती का ही स्टिक कबाब जो बनाया था।